मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार और कैबिनेट मंत्री के रूप में 2 साल पूर्ण होने पर किया स्वागत। आज से ठीक 2 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में दोबारा सरकार बनी थी। उज्जैन दक्षिण के विधायक डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर उच्च शिक्षा मंत्री बनाया था। इन 2 सालों में प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने मंत्रालय की जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। वहीं उज्जैन के साइंस कॉलेज को A+ कैटेगरी में शामिल कराया। इसके साथ साथ उन्होंने उज्जैन दक्षिण को कई सौगात दी। 2 साल का कार्यकाल पूरा करने पर शनिवार को भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर प्रदेश सरकार के मंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पार्टी के पदाधिकारी, महामंत्री एवं मीडिया जगत से जुड़े लोगों ने शुभकामनाएं दी। यहां पर उन्हें मालवा की पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया। महामंत्री विशाल राजौरिया ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि उनके लिए खुशी का पल है कि उनके विधानसभा दक्षिण से विधायक डॉक्टर मोहन यादव को प्रदेश सरकार में आज ही के दिन कैबिनेट मंत्री बनाया था। उच्च शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण पद देकर शिवराज सिंह चौहान ने उन पर भरोसा जताया। आज उनके कार्यकाल को 2 साल पूरे हो गए हैं। इसी के अंतर्गत पार्टी कार्यालय पर आज उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव का सम्मान किया गया। आज मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल को लगभग 2 साल पूरे हुए, तो आज सारे जिला केंद्र पर माननीय मंत्रियों, हमारे सभी मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। 2 साल में जो रोड मैप भारतीय जनता पार्टी ने किया है उसको लेकर चर्चा हुई। साथ ही आज उसी तारतम्य में उज्जैन में हमारे उच्च शिक्षा मंत्री, हमारे दक्षिण के लोकप्रिय विधायक, उन्होंने बातचीत रखी। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भारतीय जनता पार्टी नगर जिले की ओर से आज हमने उनका यहाँ सम्मान भी किया। जिस तरह से इन 2 सालों में खासकर उज्जैन में सारे क्षेत्रों में विकास हुआ है, वो शिक्षा की बात हो, धर्म की बात हो, शहर की बात हो, हर प्रकार के क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी ने रोड मैप के। फिलहाल इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।